अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त ऐप लेकर आया हूं जो कि आपको सामने नज़र आ रही होगी। जी हां, आप जान चुके होंगे कि यह गूगल अर्थ है, लेकिन आज मैं आपको इसमें फ्लैट्स के बारे में बताऊंगा, कौन सी फ़्लैट कहां से आ रही है और कहां जा रही है। तो चलिए बिना टाइम ज़ाय किए मैं आपको सारा कुछ बताता हूँ। तो आप इस वक्त देख रहे हैं एक जहाज़ कराची जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मौजूद है जो कि रवानगी के लिए तैयार है कराची से जद्दा। तो मैं आपको इसकी लोकेशन बता देता हूँ, ये देखिए। इसमें कुछ चीज़ें लॉक हैं, ये आपको पेड पे मिलेंगी, बाकी बेसिक जो है वो आपको इसी तरह नज़र आएगा जो कुछ चीज़ें इसमें लॉक हैं। हमारे लिए तो चलो यही काफ़ी है कि हम ये इतना तो देख सकते हैं कि कौन सा जहाज़ कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है। जनाब, यह आपको नज़र आ रहा है इस वक्त कोई जहाज़ आने को तैयार कोई भी नहीं, अब ये जाने के लिए तैयार है। ये थोड़ा रुक गया है, चलो जब तक हम किसी और को देखते हैं इस वक्त। जनाब, ये आप पूरा कराची शहर देख सकते हैं, जितना डार्क डार्क सा हुआ है सारा ये कराची है। ये देखिए आप कराची की आबादी देख सकते हैं। इनकी गलियां, रोड भी आप देख सकते हैं। चलिए हम फ्लाइट की तरफ दोबारा आते हैं, ये किसी वजह से रुक गया है। चलो हम दूसरे जहाज़ की तरफ देखते हैं कौन सा जहाज आ रहा है। ज़रा मैं जूम आउट करके आपको और दिखाता हूँ। ये देखिए एक जहाज ये जा रहा पाकिस्तान के ऊपर से गुजर रहा है। ये देखिए बेरिन से दिल्ली जा रहा है जहाज़, ये आपको लोकेशन भी दिखा रहा है। ये देखिए ये आया है, साथ साथ आप और जहाज़ भी देख सकते हैं कौन कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है। ये देखिए, ये देखिए इस वक्त कितने जहाज हवा में हैं आप सोच भी नहीं सकते। जरा जूम आउट और कर दूं ताकि आप देख सकें। फिलहाल तो हम पाकिस्तान को देखते हैं, ये देखिए पाकिस्तान के ऊपर से कितने जहाज गुजर रहे हैं। ये देखिए ये गुजर रहा है मस्कत से सियालकोट आ रहा है, की लोकेशन हम यहाँ से देखते हैं। ये देखिए ये डायरेक्ट इसने पूरी लोकेशन दिखा दी, यहाँ से उड़ा है ये मस्कत। ये जगह मस्कत एयरपोर्ट, ये देखिए आप यहाँ से ये उड़ा है इधर से। इसकी टाइमिंग भी आप देख सकते हैं किस टाइम पर और किस टाइम पहुँचेगा ये। नेट की थोड़ी प्रॉब्लम है, स्पीड स्लो है ज़रा। मोबाइल पे भी एप्लीकेशन बहुत ज़बरदस्त चलती है।
आ रहा है ATR फोकर जहाज कराची से सक्कर। अब इसकी लोकेशन हम डायरेक्ट देखें यहाँ से, ये देखिए इन्हें अपनी लोकेशन दिखा दी कि यहाँ उतरेगा ये। आप देख सकते हैं सक्कर एयरपोर्ट। बड़ी दिलचस्प ऐप्स है, इससे आपका वक्त भी गुजर सकता है और मालूमात भी आप हासिल कर सकते हैं। और आप ये देख सकते हैं कि इस वक्त कौन सा जहाज कहां से गुजर रहा है, हमारे इलाके से गुजर रहा है या गुजरने वाला है या गुजर चुका है, ये सब आप इसमें देख सकते हैं। सब यहाँ कोई और फ्लाइट नहीं है जाने के लिए। हम आगे चल के और देखते हैं कौन सी फ्लाइट कहाँ आ रही है कराची। सबके नाम शो हो रहे हैं इसमें। पेशावर से कराची आ रहा है ये जहाज, ये देखिए ये तो शायद लीज पर है, जहाज लिया हुआ है PIA ने। तो आप ये सोच रहे होंगे कि ये जहाज पर तो FJ लिखा हुआ है लेकिन ये PIA का नहीं है, लीज पर लिया हुआ है। ये देखें कतर एयरलाइन दोहा से इस्लामाबाद जा रही है और ये यहाँ पर इस्लामाबाद एयरपोर्ट भी आपको दिखा दूँ। ये देखें ये रहा इस्लामाबाद एयरपोर्ट। कि आप जहाज की ऊंचाई भी देख सकते हैं कितनी फीट पर ये उड़ रहा है, 37,000 फीट की बुलंदी पर है ये जहाज इस वक्त। ये देखिए ज़्यादातर जहाज समंदर के ऊपर से ही उड़ते आते जाते नज़र आ रहे हैं, इनका रोड यही बना हुआ है। क्योंकि एक जहाज बल्कि एक तरफ गुच्छा होना आपको यूं लग रहा होगा कि इतने जहाज इतने करीब करीब कैसे उड़ रहे हैं, लेकिन ये करीब नहीं है, ये काफ़ी फासले पर हैं, ये ऊपर से ऐसे करीब नज़र आ रहे होंगे। लेकिन ये देखिए कितना फासला है इनमें। तो उम्मीद करता हूँ आपको एप्लीकेशन बहुत अच्छी लगी होगी और आप भी इस एप्लीकेशन को यूज़ करें। टाइम इस वक्त हो रहा है 6:22। ये 6:22 के लम्हात आपको दिखा रहा हूँ इस वक्त, ये आप देख सकते हैं। संडे का दिन है आज। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।